So hello everyone, today we have Hari Srinivas ji with us. Sir, the painting behind you is just beautiful, and today we have we are blessed to have attended your this beautiful art fest. Sir, please bataiye aap kab se ye kar rahe hain, from how long you are doing this? From second standard. Second class? Second standard. So ye aapko aap kisi se inspired hue karne ke liye ya aapke dil se awaaz aayi? Inspired nahi, I like observe the things. Generally people will ignore. One is to thousand. एक आर्टिस्ट में माइंड में छोटे चीज को भी मैं अपना लूंगा. यस, आई विल अग्री दैट दैट पोजिशन दैट दैट शेप शेप ऑब्जर्वेशन. यस, शेप ऑब्जर्वेशन. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ आई ओनली सा दैट. आई अग्री दैट नोबडी कैन सी दैट. आई कैन अंडरस्टैंड. सो आई एंजॉय दैट. सर, आपको पता है मैं एक काउंसलर हूँ, दैट टू फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, और मैं बच्चों को बताती हूँ उनके अर्ली जो भी उनके टैलेंट्स हैं, इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, पैशंस हैं, वेरी अर्ली स्टेज ओनली. सो ये कैसे पता चलता है? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से आई कैन कनेक्ट वेरी वेल, बिकॉज हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो होता है विजुअलाइजेशन का, वो अगर किसी बच्चे का बहुत स्ट्रांग है ऑक्सीपिटल लोब, उसका शेप ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है. विजुअल चीजें उसको बहुत ही क्लैरिटी से आ जाती है. प्लस इसके साथ में काम आता है फाइन मोटर स्किल्स, राइट, जो आपकी थी. सो आपको क्या लगता है, ये आपका पैशन था जो आपने परस्यू किया? पैशन था, मरने की इच्छा था उसके ऊपर. पैशन नहीं, पैशन से आगे, बहुत आगे. क्या बात है, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ. मैं खाना पीना भी बहुत लाइट लेता हूँ, अगर भूख लगा बैठे वो मिट जाएगा वो पसंद से. जब मैं उसको प्रैक्टिस करने लगता हूँ, मेरे को खाना भी नहीं नहीं बोलता खाने का, ऐसा उसके ऊपर दिल लगता है. तो सर, आप क्लास सेकंड स्टैंडर्ड से आप ये कर रहे हैं, एंड मोर ओवर सेकंड स्टैंडर्ड से जो बच्चा वो लिखने का शुरू करता है, आई वाज डूइंग हैंड राइटिंग 20 टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग दैट टाइम. ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स एंड इनबॉर्न टैलेंट, हैंड राइटिंग. अब आप बताओ उस एज में कौन क्या सीखता है? That's why उस टाइम पे आपको ये आता है, दिस इज द पावर ऑफ जेनेटिक्स. मैं देख के वैसी करना बोल के मैं ऐसा दिल में आता है, आई डोंट नो, ट्राई सेम थिंग लाइक, उसको आना मेरे को जरूरी है मेरे को. यस, वाओ, आई शुड ट्राई, राइट. एट द सेम टाइम अदर पीपल इग्नोर मेरे को क्या करने का है, जिससे मेरे को क्या आने वाला है. जी, कल एग्जाम है, उसमें पहले पास करना है. यस यस, यही तो होता है. मैं उसको छोड़ देता हूँ. यस सर, अभी वेरी रिसेंटली पीएम मोदी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बोला कि प्लीज अपने बच्चों को पहचानो, उनका क्या टैलेंट है, अगर उसको आर्टिस्ट बनना है तो प्लीज उसको बनने दो, एटलीस्ट वो खुश तो रहेगा लाइफ में, डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा. राइट. सो आजकल पेरेंट्स इतना फोर्सफुल होते हैं अपने बच्चों के लिए, करियर के लिए, कि आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, और ये बहुत गलत बात है. सो आई थिंक आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. सो सर, आपने बताया, आप मुझे बताइए कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 45 years नाउ. हाउ मच टाइम यू स्पेंड एवरी डे? ऑलमोस्ट 19 hours. 19 hours? Really? उसी में रहते हैं. हाँ, मैं सोने तक एक दो घंटे सोता हूँ, फिर मिनट को उठ जाता हूँ, फिर मेरे टेबल पे चले जाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ आइडिया आता उसको ऐसे ही कर लेता हूँ, स्केचिंग वगैरह. सर, आज तक कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई? मोर देन 10,000. कोई आपको बहुत कोई एक मेमोरेबल इंसिडेंट याद आ रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं मेरे बचपन में मेरे स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तेलुगु मीडियम, मेरे ड्राइंग टीचर था जी, उसने बुलाया मेरे, कभी मेरे शॉप को आओ, ही यूज टू पेंट दैट साइन बोर्ड, साइन बोर्ड्स, अब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो मेरा जो बैठ बैठ के उधर बोर लग रहा था मेरे,
कि वो न्यूज़पेपर लेके मैं ऐसी एक कागज़ लेके ऐसी बना रहा था हैंड राइटिंग वगैरह. एक ही न्यूज़पेपर में एक वर्ड है, दो तीन वर्ड को मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग में उसको लिख रहा हूँ ऐसी बैठ के. ही हैज लाइक दैट. अरे इतना ईजी क्यों लगा? बहुत हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है. मेरा बोर्ड बनाओ पहले. मैं एक शॉप का है, सब ज्वेलरी शॉप, सीता ज्वेलरी बोल के है. यू डिजाइन एंड यू डू इट. मैं देखता हूँ आपका काबिलियत कितना है, बाद में मैं आपको काम देता हूँ, ये काम इधर आप काम कर सकते हैं. तो वो शॉप मेरे को दे दिया उन्होंने लास्ट में. क्या बात है. दे दे के तुम चला, मैं दूसरा लगा लेता. Wonderful. तो बाद में मैं हैदराबाद को उन्हें खुद में ये दिस इज फैक्ट दैट दिस इज नॉट योर करेक्ट प्लेस, गो टू हैदराबाद एंड डू समथिंग डिफरेंट. वहाँ अलग अलग रास्ते एवेन्यूज मिल जाएंगे आपको, लोग मिल जाएंगे, अच्छे बातें मिल जाएंगे. सो यू कैन फिर आप याद है. हाँ सर, आप सिखाते भी हैं? हाँ अच्छा. लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आर्ट में इच्छा तो है लेकिन फोर्सिबली विद पेरेंट्स. दैट्स व्हाट. अरे मेरी एक्चुअली वो कहीं ना कहीं एक दो महीने आता हर संडे सैटरडे. आने के बाद माय मम्मी इज वांट टू स्टॉप दिस क्लासेस एंड एग्जाम्स इज वेरी क्लोज एंड शी डोंट वांट टू सेंड मी टू यू. सो आफ्टर मार्च एंड अप्रैल आई विल कम सर, ट्राई टू कम. No, don't come please. हाँ सर, यही प्रॉब्लम है. प्लीज डोंट कम. यस, बिकॉज लोग अपने पैशन को नहीं पहचानते हैं. मे बी आपके सक्सेस आपके पेंटिंग्स को देख के इंस्पायर तो हो गए, लेकिन रियल में उनके अंदर वो पैशन ही नहीं है. उन्हें उनका जो दो घंटे का टाइम रहता ना, वो बच्चे का बाप बाहर खड़े रहते कार में, हॉर्न बजाते नहीं तो कुछ फोन कर गए, आजा आजा आई एम वेटिंग हियर. तो काम ऐसे छोड़ के चले जाते. ये आर्टिस्टिक चीजें ऐसे होती नहीं है. उन्हें खुद नया ना छोड़ देना. राइट. तो सर आप लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप क्या कहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, इनबॉर्न टैलेंट्स और पैशन को क्या अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए? जो भी काम है मैडम, फोर्सफुली नहीं होता. फोर्सफुली नहीं होता, अपने आप आता. तो ये जो सीखने का है ना, वो अपने आप आना माइंड से. राइट. और मन से करना है. बिल्कुल. किसी फोर्स से नहीं कर सकते, आता भी नहीं. बिल्कुल. मैं घर छोड़ दिया इसके वजह से जी. मैं मेरे पिताजी बोला क्या था आर्ट जाके क्या मिलता, तुम्हारे भूखा मर जाओगे. मैं ये दो फिंगर से पेंटिंग करता हूँ ना, मैं ये काट ले तो अगर तुम मेरे को बाहर नहीं भी जाए तो तब उन्हें कहीं भी जाओ मेरे साथ मिलना नहीं. अभी तक नहीं गया मैं. ओह गॉड, अभी तक आप नहीं गए मिले उनसे? सीरियसली? नहीं आता मेरे को मिलने के लिए. दैट्स वंडरफुल. एंड यू आर बाय. दैट्स वंडरफुल सर. सर आज का एग्जीबिशन बहुत ही ब्रिलियंट था, आपको कैसा लगा? मेरे को इतना अच्छा लगा. आई वॉन्ट टू से समथिंग बट ये क्राउड देख के मेरे को, मैं क्राउड आई डोंट लाइक क्राउड. मैं अकेले रहना चाहता हूँ कभी भी, घर में भी या स्टूडियो में. दैट वॉज माई एटीट्यूड एंड टूडे ऑल्सो आई विल फील हैप्पीएस्ट डे. वाओ, यस सर, इट इज इंडीड अ हैप्पीएस्ट डे फॉर ऑल ऑफ अस हियर हु हैव अटेंडेड दिस. एंड आई मेट समबडी nice person today like you. Thank you very much sir. This is thank my you final so much line. It is, it means a lot and we are going to cherish this moment. I met in this exhibition, I met first your husband. Okay. yeah, he's and always and there with me. Fortunately and first I don't know, but fortunately only. Okay. He has called me and appreciating my art. Yes, so yes. Because he himself is a very artistic person. He loves arts, but somehow he has not able to be, you know, followed but his passion. He told me with heart, very nice paintings. Yeah. I am enjoying here. Yes. Right, sir. Thank you so much, sir. And thank you so much for organizing this kind of beautiful art show. So, guys, this is Mr. Hari, and please. Sir, you have a YouTube channel or anything where people can follow you? No.
So I think we should create now. I will help you in that. We will create. Whatever you want, do it. Yeah, we will definitely. But in the proper way. Yes, yes. We'll discuss, then we will do. Okay, thank you so much. And one more. Yeah. Show your hand. Yes. See her hand. It's my request. She's a daughter? No. She's my brother-in-law's daughter. Okay, I will definitely. If you don't mind. Of course, sir. This is my duty. I will definitely do it. Thank you so much, sir.